हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 26 मार्च 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे। शुरू करते हैं, लाइक बटन जोर दबाना पसंद आए तो। पहला क्वेश्चन होगा, G20 शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की? अभी आज आयोजन चल रहा है। इसका आंसर है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। कौन है ये? सऊदी अरब के किंग हैं। ओके, तो उन्होंने अध्यक्षता की है, उनको अध्यक्षता का काम मिला है। और ख़ास बात है कि इस बार की जो समिट है वो वर्चुअल है, मतलब इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 के देशों के लीडर्स इसमें जुड़ रहे हैं। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के तमाम नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि शिखर सम्मेलन में कोरोना वायरस महामारी से निपटने की तैयारियों पर विचार विमर्श किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। और शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, WHO, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और आर्थिक और विकास संगठन वगैरह वगैरह इसमें शामिल हो रहे हैं। तो G20 में कौन कौन से देश हैं? भारत है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका इसमें शामिल हैं। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसमें शामिल हो रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पुलिस को टेसर गन यानी इलेक्ट्रोशॉक हथियार सौंपने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? देखिए, अब तक हम लोग फिल्मों में देखते थे कि उसे हॉलीवुड की फिल्मों में देखते थे कि उस गन से किसी को बेहोश कर दिया जाता था, लेकिन अब इंडिया में भी आ गया है। इसका आंसर होगा गुजरात। ठीक है, देखिए, अस्थाई रूप से ये मांसपेशियों के कार्यों को बाधित कर देता है ये जो गन होता है, और बिना गंभीर चोट के, बिना दर्द के इसको काम किया जाता है। बिजली का एक झटका लगता है, हल्का सा चोट तो लगती है। ठीक है, और तो ये किया गया है, और इसका इस्तेमाल जो है इस वक्त दुनिया की बात करें तो UK मेट्रोपॉलिटन पुलिस, लॉस एंजलिस पुलिस, न्यूयॉर्क पुलिस वगैरह वगैरह कर रही है जैसे एजेंसियाँ, और अब गुजरात में भी पुलिस के पास ये आ गया है। तो गुजरात की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। ओके, और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वॉलमार्ट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा समीर अग्रवाल। ठीक है, उनको अब वॉलमार्ट का भारत का CEO नियुक्त किया गया है। 1 अप्रैल से वो हो जाएंगे इस पद पर। किसके जगह लेंगे वो? तो क्रिश अय्यर की जगह लेंगे। अच्छा, उनको जनवरी में डिप्टी CEO बनाया गया था, तो अब वो CEO हो गए हैं। और वॉलमार्ट इंडिया के बारे में आप तो जानते ही हैं, 28 बेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी स्टोर्स संचालित करता है वो। फ्लिपकार्ट जो है इंडिया में, भारत उसी का हिस्सा है वॉलमार्ट का। तो वॉलमार्ट इंक यानी ग्लोबल के CEO कौन है? डग मैकमिलन। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने COVID-19 को लेकर जागरूकता अभियान के लिए भारत के किस फुटबॉलर को चयनित किया है? किस फुटबॉलर को? इसका आंसर होगा सुनील छेत्री। ठीक है, और WHO का जो अभियान है उसका नाम क्या है? पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। ओके, देखिए 13 भाषाओं में आने वाला है वीडियो, अलग अलग भाषाओं में, तो उसका नेतृत्व जो है 28 खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा है। उसमें भारत के तो ये हैं, इसके अलावा अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेस्सी, विश्व कप विजेता फिलिप लाहम, इस्कॉन लिया सास, कार्स पुएल जैसे बहुत सारे खिलाड़ी इसमें हैं। और इसमें ये बताया जाएगा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए या दूसरों को फैलाने से बचाने के लिए हैंड वॉश कैसे करें, खांसी का क्या तरीका हो, खांसी हो तो कैसे उसको दूसरों को ना फैलने दें वायरस खांसी के दौरान, चेहरे को छूने से कैसे बचें, शारीरिक दूरी कैसे रखें। ओके, तो ये सब बातें हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, देखिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी विद
डिटेंड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स, इनके लिए ये होता है। और ये हिरासत में रखे गए या लापता लोगों के लिए एकजुटता दिखाने का दिवस है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया, कितनी रकम का? आंसर होगा इसका 17,375 करोड़ रुपए। ठीक है, एक दिन का यहाँ भी सत्र बुलाया गया था। मेघालय की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। और राजधानी क्या है मेघालय की? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। राज्यपाल कौन है? तथागत राय। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में पहली ग्लोबल हाइपरलूप पॉड स्पर्धा की मेजबानी जुलाई 2020 में कौन सा संस्थान करेगा, कौन सा इंस्टीट्यूट करेगा? इसका आंसर होगा IIT मद्रास। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है? तो भारतीय और विदेशी जो स्टूडेंट्स हैं या उनकी टीमें हैं, उनको हाइपरलूप पॉड विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये प्रतियोगिता जो है वो दुनिया भर के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए ये किया गया है, हाइपरलूप पॉड्स को कैसे तैयार करें, उसके विचार में करने के लिए डिजाइन कैसा होना चाहिए इसको लेकर। तो हाइपरलूप पॉड्स होता क्या है? मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं पता है वो जान लीजिए। हाइपरलूप जो है परिवहन की 5वीं पीढ़ी है, ओके, 5th जनरेशन है। और इसमें अधिकतम गति वाली ट्रेनें जो हैं वैक्यूम ट्यूब में चलती हैं और हवा का घर्षण नहीं होता है, वैक्यूम होता है वो ट्यूब। तो पॉड की गति 1,000 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाती है। और ये ट्रांसपोर्ट के सामान्य साधन कार और ट्रेन या हवाई जहाज से कम प्रदूषण रहित तकनीक है। तो यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि हाइपरलूप सेवा के लिए भारत के किस राज्य ने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है? तो इसका आंसर होगा वर्जिन हाइलूप वन के साथ किया हुआ है। किसने? तो महाराष्ट्र ने। ठीक है, पुणे मुंबई हाइपरलूप परियोजना के लिए अनुमति दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन होगा, साल 2020 का पेन हेमिंग्वे पुरस्कार किस उपन्यासकार ने जीता? आंसर होगा रुचिका तोमर। ठीक है, ये अवार्ड उनके पहले उपन्यास अ प्रेयर फॉर ट्रेवल्स उसके लिए उनको दिया गया है ये अवार्ड। और उपन्यास 9 जुलाई 2019 को प्रकाशित किया गया था। और इस अवार्ड के बारे में बता दूँ, उससे पहले बता दूँ ये जो विजेता है रुचिका, वो कैलिफोर्निया के स्टोनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के रूप में काम कर रही हैं। ये अवार्ड क्या है? पेन हेमिंग्वे पुरस्कार। तो ये मेरी हेमिंग्वे के द्वारा अपने पति अर्नेस्ट हेमिंग्वे की याद में 1976 में स्थापित किया गया था, जो अमेरिका के बहुत मशहूर पत्रकार, उपन्यासकार और लेखक और खिलाड़ी रहे थे। इस पुरस्कार में विजेता को $25,000 की रकम दी जाती है और सह विजेता को दिया जाता है $10,000 की एक फेलोशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन टूरिज्म में IIFTC टूरिज्म इंपैक्ट अवार्ड 2020 जीता है? आंसर होगा इसका जोया अख्तर। ठीक है, मुंबई में आयोजित हुआ था एशिया के सबसे बड़े फिल्म पर्यटन इवेंट, उसमें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कुछ वक्त पहले उनको ये दिया गया है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 26 मार्च का। आप 2019 का भी करंट अफेयर्स पा सकते हैं, PDF है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और 2019 का जनवरी फरवरी का भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। और हाँ, जो आप देख रहे हैं 26 मार्च का करंट अफेयर्स, तो उसका PDF मेरे बगल में अवेलेबल हो गया है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वरना लिंक गायब हो जाएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।